फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ इस दिवाली पर चलता रहे भाकरवड़ी के स्वाद का याराना। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्टार भाकरवड़ी, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। इन पर प्लीज, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, भाकरवड़ी बनाने के लिए हमारे घर के रूटीन के ही सारे मसाले हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, साबुत धनिया, तिल, पीसी हुई शक्कर, नमक, ग्रेटेड कोकोनट हमें लेना है, मैदा 1 कप, सूजी 2 चम्मच और इमली की मीठी चटनी है और खसखस 5 से 6 लौंग और तेल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें भाकरवड़ी बनाने के लिए डो प्रिपेयर करना है। इसके लिए 1 कप मैदा बॉल में लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच रवा मिक्स कर देते हैं और स्वादानुसार हम उसमें थोड़ा नमक मिक्स करेंगे। मिक्स कर देते हैं और मोयन के लिए 2 से 3 चम्मच तेल मिक्स कर देते हैं। तीन चम्मच मोयन मैंने डाल लिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस तरह से इसका क्रम्बल टेक्सचर आ जाता है मोयन मिक्स करके। और अब फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और डो बनाएंगे। एकदम कड़क डो हमें गूंथना है। यह हमारा भाकरवड़ी का डो प्रिपेयर हो गया है। ऑलमोस्ट पूरी की जैसा डो बनाया है मैंने, जैसे अपन पूरी के लिए बनाते हैं। अब हम इसको ढककर रख देते हैं और मैं आगे की फिर प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम भाकरवड़ी के लिए भाकर बनाएंगे। भाकर का मतलब होता है कि जो भी ड्राई मसाला है उसे भाकर कहा जाता है मराठी में। तो अब हम ये ड्राई मसाला बनाते हैं भाकरवड़ी के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले पैन में 3 चम्मच तिल लेंगे। सफेद तिल लिए है मैंने, इसको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिए, कोई भी मसाला या इंग्रेडिएंट छूट न जाए और कोई भी स्टेप मिस न हो जाए। तेल के साथ ही हम इसमें 5-6 लौंग और 1 चम्मच खसखस, साथ में 3 चम्मच 2 से 3 चम्मच ये सूखा खड़ा धनिया डालेंगे, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ हम इसमें मिक्स कर देते हैं और सबको रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है। 1 मिनट के लिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, खुशबू आने लग गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसी गर्म कढ़ाई में हम ये खोपरा ग्रेट करके लेना है। मेरे पास ये खोपरा पूरा है, मैं इसे मिक्स कर देती हूँ 1/2 कप और आप ग्रेट करके ले सकते हैं खोपरा। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं साथ में। अब ये मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको हम मिक्सर जार में ले लेते हैं और इसको क्रश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने मसाला क्रश कर लिया है। एकदम बहुत ही ज्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मीडियम ही रखना है। अब इसको मैं बॉल में निकाल लेती हूँ। अब हम इस मसाले में 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। पूरा 1 टेबल स्पून लेना है अमचूर पाउडर और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मिक्स करना है हमें इसमें, और गरम मसाला 1 टीस्पून फुल गरम मसाला लिया है मैंने इसमें। साथ में शुगर मैंने ली 3 से 4 चम्मच शुगर इसमें मिक्स कर देंगे। खट्टा मीठा स्वाद आएगा इसमें। और फिर हमें लेना है नमक स्वादानुसार। सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इसे हम 3 चम्मच मिक्स कर लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स, हमने चटनी मिक्स कर दी है। अब अक्सर क्या होता है कि जब भी हम भाकरवड़ी तलते हैं तो उसमें से मसाला निकलकर तेल में आ जाता है, सारा तेल में नीचे जलने लगता है। इसलिए अब हम उसमें बाइंडिंग के लिए
दो से तीन चम्मच मैदा मिक्स करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। इस तरह से हम मैदा बाइंडिंग के लिए मिक्स करेंगे तो मसाला हमारा निकल कर बाहर नहीं आएगा, सबको हम अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा भाकरवड़ी का की भाकर जिसे कहते हैं, मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया है। मैदे से इसमें अच्छा एक बाइंडिंग आ गया है डो की तरह। बहुत से लोग इसमें इमली का पल्प यूज करते हैं, पर इमली के पल्प लेने से भाकरवड़ी सौगी हो सकती है, और हम इमली की चटनी लेते हैं जिससे कि हम बहुत दिनों तक भाकरवड़ी को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस डो को निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा तेल लगा लेते हैं, एक जैसा एक थोड़ा सा और मसल लेते हैं, और अब हम इसके दो पार्ट कर लेंगे, और हमें दो रोटी बेलनी है इसकी। अब हम इसको बेल लेते हैं। इस तरह मैंने एक रोटी बेल ली है, बहुत ज्यादा पतली नहीं है, थोड़ी थिक रोटी है पराठे की तरह। और अब मैं इसी तरह दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। ये मैंने दूसरी रोटी भी बेल रही है, थोड़े से कट्स आ रहे हैं पर उससे शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा टाइट डो है, मोयन भी अच्छा है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर लेते हैं, अच्छी तरह पानी लगा देंगे जिससे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा मसाला स्प्रेड कर देते हैं। हमने बाइंडिंग दिया है मसाले को मैदे का, इस तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने मसाला भाकरवड़ी का अच्छी तरह इस पर स्प्रेड कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आलू भुजिया और बेसन की गाठिया, ड्राई कचौरी और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज मैंने दिवाली स्पेशल बनाई है। आपको इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, आप जरूर ये सारी रेसिपीज देखिए। ये अच्छी तरह मसाला स्प्रेड कर लिया है मैंने एक चपाती के ऊपर, और दूसरी रोटी के ऊपर हम इस तरह थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब इस दूसरी रोटी को भी हम इसके ऊपर फैला देंगे, पानी वाला भाग नीचे और दूसरा ड्राई पोर्शन ऊपर रखा है, इसको अच्छी तरह स्टिक कर दिया है। और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा हल्का हल्का बेलन फेर देंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह के मोल्ड से कट करेंगे। मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कटर से राउंड शेप में कट कर सकते हैं, कोई छोटी कटोरी से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ भाकरवड़ी को। इस तरह से मैंने भाकरवड़ी कट कर ली है। अब मैं सब प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये सारी भाकरवड़ी कट करके रेडी है। देखिए बहुत ही अच्छा शेप आया है, ये स्टार शेप दिया है, ये बादाम का शेप है। और अब इसको हम ऊपर से रोटी को उठा लेंगे और मसाला भी इजीली अलग हो जाता है, ये अलग कर लेंगे। और इसको मैं फिर से बेल लेती हूँ। ये मैंने फिर से दो चपाती बेल ली है, पानी भी इसको लगा लेते हैं और इसके ऊपर फिर से वो मसाला डालकर और वापस भाकरवड़ी और बना लेंगे। ये बचा हुआ मसाला ही वापस इसके ऊपर लगा रही हूँ, और वो सिर्फ बचे हुए आटे से ही मैंने ये वापस दोनों रोटी बेल ली है, और पानी लगाकर इसको हमने इस तरह से स्टिक कर दिया। और अब ये इस पर बेलन चला देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, और फिर से हम इसके अच्छे शेप्स बना लेंगे। ये हमारी सारी मटरी रेडी हो गई है, और ये कुछ बचे हुए डिजाइन्स भी हैं, इनको भी हम तल लेंगे। अब हम इस मटरी को थोड़ा सा हमें फ्लिक करेंगे नाइफ से इस तरह से, और फिर इसे हम गरम तेल में हमें तलना है। फ्रेंड्स, तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, थोड़ा सा गैस को हम धीमा कर देते हैं और भाकरवड़ी को तलेंगे। जब बहुत ज्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धीमी आंच पर ही हमें इसे तलना है। शुरू में डालते तब नीचे रह जाती है ये, और फिर जैसे जैसे तलने लग जाती है ऊपर आ जाती है हल्की होकर। ये हमारी भाकरवड़ी गोल्डन हो गई है, सारी भाकरवड़ी तलकर ऊपर आ गई है। इस भाकरवड़ी को दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से नाइफ से हमें फ्लिक करना है। यदि हम फ्लिक अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगी और दोनों कट इसके खुल के अलग हो जाएंगे। अभी ये इस तरह से हम अच्छी तरह तल गई है,
और इसको निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से फ्लिप करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये हमारी दिवाली स्पेशल स्टार भाकरवड़ी रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स।